बस ऐसे ही थोड़ा दिल घबरा रहा था, सोचा थोड़ा टहल। तुम बताओ सब ठीक? सब ठीक है डैड। नहीं, अगर सब ठीक होता तो तुम यहां ना होते, अपने कमरे में होते। पता नहीं डैड, मुझे ऐसा लगता है ये औरतों की ना सिर्फ खाली फर्क होती है, अंदर से सब एक जैसी होती है। स्टबर्न, सेल्फिश, बदतमीज। इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था पहले भी और अब भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। सॉरी डैड, मैं जब भी आपकी बात नहीं सुनता हमेशा पछताता हूं, पर अब तो ये जोया मेरे खिलाफ बातें करती है, मुझ पे इल्जाम लगाती है, तुम्हें मेरे खिलाफ उकसाती है। तुम यही ना, बहुत तेज लड़की है। ये सर क्यों कर रही है? सारी जिंदगी आपने पाला इसे, इनके खर्चे हमेशा आप ही ने उठाए हैं। शादी से पहले जो भी इनके पास था वो सब आप ही का दिया हुआ, फिर भी ये क्यों आपके खिलाफ बातें करती है? मेरी समझ से बाहर है डैड। बेटा, नमक जो है वो हर किसी को हजम नहीं होता, और जिनको जरूरत से ज्यादा मिल जाए ना, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। बस यही गलती मुझसे हुई है, जरूरत से ज्यादा नमक दे दिया। तभी देखो मेरे हाथों की बली बच्ची मेरे ही खिलाफ बातें करती है। लेकिन उमर, अब से ना एहतियात से, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। बेटा, जब पर निकल आए ना, तो घोंसले से ज्यादा आसमान प्यारा हो जाता है। तभी जंगली कबूतरों के पर काट के इन्हें पालना पड़ता है। क्योंकि बिना पर काटे ये कमबख्त बनते नहीं है।